हेलो एवरीवन, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की गर्मी के मौसम में मालिश करनी चाहिए या नहीं। कुछ सवाल आए थे जैसे कि क्या गर्मी के मौसम में रात में बच्चों की मालिश कर सकते हैं, नहला सकते हैं उसके बाद। तो इसी बारे में कुछ आपको इम्पॉर्टेंट टिप्स देने जा रही हूँ। देखिए, गर्मी हो या सर्दी हो, आपको बच्चे की मालिश हर रोज एटलीस्ट एक बार जरूर करनी चाहिए। अगर दो बार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक बार सुबह में और एक बार रात को सोने से पहले। इसके बहुत सारे फायदे हैं। स्किन टोन अच्छी होती है, मसल्स अच्छी बिल्ड होती है, क्योंकि जब आप बच्चे की मालिश करते हो तो बच्चे की मसल रिलैक्स होती है और वापस से वो फिर से एक्टिवली अपनी एक्टिविटीज को करते हैं, ज्यादा एनर्जी के साथ करते हैं। और बच्चे जितना ज्यादा एक्टिविटी करेंगे उनके फिजिकल ग्रोथ के लिए उतना ही अच्छा है, एंड डेफिनेटली फिजिकल एक्टिविटीज मेंटल ग्रोथ में भी हेल्प करती है। अब गर्मी के मौसम में जब आप मालिश करते हो बच्चे की, तो सबसे बेस्ट ऑयल है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, इसकी तासीर ठंडी होती है तो बच्चे को घमौड़िया वगैरह होने के चांसेस नहीं रहेंगे। जहां तक हो सके सरसों का तेल या फिर आलमंड ऑयल गर्मियों के मौसम में अवॉइड करना चाहिए। नारियल के तेल के अलावा ओलिव ऑयल एक अच्छा ऑप्शन है, बट ओलिव ऑयल की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होती है तो थोड़ा सा वो चिपचिपा ज्यादा हो सकता है। बट अगेन, मसाज करने के बाद दिन में जब आप बच्चे की मालिश करते हो तो उसके 20 मिनट के बाद या फिर आधे घंटे के बाद बच्चे को नहला दे। याद रखिए 20 मिनट का डिफरेंस जरूर रखिए मालिश खत्म होने से नहाना शुरू करने के बीच में। सो टू बी ऑन द सेफर साइड, 30 मिनट डिफरेंस। और जब आप रात को मालिश करते हो तो पूरे बॉडी को मालिश करने के बाद एक कपड़े को भिगा के उससे वाइप कर दीजिए। आप चाहे तो पानी गुनगुना करके या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर में भी कपड़े को डिप करके वाइप कर सकते हो, क्योंकि जब बच्चे की आप मालिश करते हो तो उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, और ऐसे में अगर आप ठंडे पानी से वाइप करोगे तो बच्चे को सर्दी लगने के चांसेस रहेंगे। सो इट्स बेटर कि रूम टेम्परेचर पे जो पानी है उससे वाइप करें या फिर थोड़ा सा पानी को गुनगुना कर लें, उसमें कॉटन कपड़े को डिप करके पूरे बॉडी को वाइप कर दे। इससे क्या होगा, बच्चे की मालिश भी हो गई, बच्चा रिलैक्स भी हो गया, उसको अच्छी नींद आएगी और साथ ही स्किन के ऊपर जो भी ऑयल की लेयर रह गई है वो निकल जाएगी, तो बच्चे को घमौड़ियां नहीं होंगी, बच्चे को गर्मी नहीं लगेगी और आराम से बच्चा सोएगा। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। इसी तरह की और भी वीडियोज देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बेबीज वर्ल्ड इंडिया। थैंक यू सो मच।